5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को रखते हुए राकेश टिकैत का महापंचायत सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में नारे लग रहे हैं, अल्लाह हु अकबर। इस नारे से किसानों की समस्याओं का क्या लेना देना, ये बात हमारे समझ से परे हो रही है। हाँ, अगर बीजेपी के किसी सम्मेलन में जय श्री राम का नारा लगता तो ये सांप्रदायिक हो जाता, पर राकेश टिकैत का अल्लाह हु अकबर का नारा लगवाना ये सद्भाव प्रदर्शित कर रहा है। इस पे विचार करने की जरूरत है कि ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। इस सम्मेलन में सबसे मजे की बात तो ये है, जाट जो राम राम बोलते हैं उनके ही मुख से टिकैत ने अल्लाह हु अकबर के नारे लगवाए। ऐसा लग रहा है कि ये कोई किसान सम्मेलन न होकर ये कोई मुस्लिम समुदाय का धार्मिक सम्मेलन हो रहा है जिसमें अल्लाह हु अकबर के नारे लग रहे हैं। इस किसान सम्मेलन में किसानों के मुद्दे उठाने के बजाय केवल योगी और मोदी को गाली दे रहे हैं। बार बार कह रहे हैं योगी हटाओ, मोदी हटाओ, इसका क्या मतलब हुआ? और तो और टिकैत बार बार ये कह रहे हैं कि योगी भारी है, मोदी भारी है। तो अब हमें ये बताएं कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के रहकर भी भारी हैं तो हम भी भारी हो गए इसका मतलब? तो टिकैत जी भी तो भारी हो गए और वहाँ सम्मेलन में सुनने वाले सभी किसान भाई भी भारी हो गए। तो आखिर ये भारी और अपना कहकर किस क्या संबोधन करना चाह रहे हैं, ये क्या शो करना चाह रहे हैं? दरअसल किसान आंदोलन के बहाने ये किसानों को बरगला रहे हैं और इनका छिपा हुआ एजेंडा बिल्कुल सामने आ रहा है। बार बार मंच से कह रहे हैं कि मोदी जी रेल को बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं और सारे गवर्नमेंट संस्थान को बेचने पे तुले हुए हैं। और तो और इंडिया आंसर का हैशटैग दिखाकर ये बता रहे हैं कि मोदी जी पूरे इंडिया को बेचने पर तुले हुए हैं और मोदी जी पूरे इंडिया को बेच देंगे। चलिए ठीक है, मान लिया कि मोदी जी पूरे इंडिया को बेच रहे हैं, आपकी बात मान ली मैंने। अब हमें ये बताएं और जनता को बताएं कि मोदी जी ने ये सभी चीज़ें जो बेची हैं कहाँ बेची हैं, किसको बेची हैं, कौन खरीदने वाला है, किस अखबार में इसका टेंडर प्रकाशित हुआ और जो सारे संस्थान ये बेचे गए हैं इनकी रकम कहाँ है, कितने में बेची गई है, पूरा डिटेल जनता के सामने लाएं, तब इस बात का आरोप लगाएं। और ये मत भूलें कि किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन में किसानों के मुद्दों को उठाना है, न कि इन चीज़ों को उठाना है। दरअसल राकेश टिकैत का पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये 2007 में भी चुनाव हार चुका है और 2014 में लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरह हारा है। अब इसको अपने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत है और इसलिए उसने किसान आंदोलन का सहारा लिया है और इसी मंच को अपने वो पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए कर रहा है। और किसान आंदोलन के बहाने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वो अल्लाह हु अकबर के नारे लगवाकर मुसलमानों को भी अपनी पारी में लाने की कोशिश कर रहा है। किसान पंचायत में इसका छिपा हुआ एजेंडा सामने आ गया। दरअसल इसकी नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% जो जाट है उन पर है और बल्कि 17% जाट और मुस्लिमों को मिलाकर उसका एक गठबंधन बनाने का इसका योजना है। उसी योजना के सहारे अपनी चुनावी जमीन तैयार कर रहा है और ये किसान आंदोलन के बहाने एंटी योगी एंटी मोदी का मोर्चा चला रहा है। इसका किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि राकेश टिकैत के असली उद्देश्य को पहचाने, इसके झांसे में ना आए और किसान आंदोलन के असली उद्देश्य को पहचान कर उसको सही रास्ते पर लाए और सही व्यक्ति की तलाश करें और आप अपने उद्देश्य में सफल होए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।